अज मेरा कोई बाबा नहीं, अज कद मेरा बाप जिंदा आंदा, लोकी यतीम समझ के ना मार दे, अज कद मेरी भी मां जिंदा आंदी, इंज कलियों बैबे ना रंदा, पर मैं की कराओ, अज मेरा बाप भी कोई नहीं, अज मेरी मां भी कोई नहीं, ते मोहिया मावा वाले रो रो आपे चुपे कर जांदे, अज कदे ओंदा भी बाप जिंदा आंदा, लोकियों नूं यतीम समझ के ना मार दे, अज ओदी मां जिंदा आंदी, इंज नुकरां च कलियां बह के ना रोंदा, चाचे दा खून खोलिया जाके अबू जान दे सिर च कमान मारी, सारा जमाना नवे कपड़े पाके ते खुशियां पे मनांदा, ते जिन्ना दी मावां टुट गईयां ओ ईद दी नमाज पढ़ के कब्रस्तान जाके ते मावां दी कब्रां ते बैठ के पे रोंदे सन, मां ते बाप दी कदर पुछनी आ ते ओ किसे चिट्टी दाड़ी वाले बाबे कोल पुछ, ओ जिहदी अम्मी ते अब्बू टुट गए, रात नूं सराहने च सिर दे के रोंदे ने, कोई उंज बुलावे जिवें अम्मी बुलांदी सी, कोई उंज प्यार करे जिवें अब्बू गोदी च लटा के प्यार करदे सी। मेरे मिलन दे नौजवानों आओ, मैं तुहानूं कमली वाले कोल पुछ के देवां मां ते बाप दी शान की है। 6 साल दी मेरे नबी दी उम्र ते इक दिन हजूर बारू घर आए ते मां नजरी ना आवे, सैयद आलम कदे एक कमरे च कदे दूसरे कदे तीसरे कमरे च गए कि मां किथे गई, मां नजरी ना आवे, रो के आसमान वल वेख्या ते अर्ज कीती मेरे अबू ते दुनिया तो टुर गए ते मेरी अम्मी किथे गई। अल्लाह ने यार दे दिले अनवर च इल्हाम फरमाया कि सोने मां कमरे च बैठ के भी रोंदी है, हजूर दौड़ के कमरे च गए ते वेख्या अंधेरे विच मां नुकरे बह के गोडियां ते सिर रख के भी रोवे, अज 6 साल की उम्र मेरे नबी दी ते मां दे गले जाके बाहवां पा के ना अपने लब मां दे मत्थे ते रखे ते मत्था चुम के मां दा आखिया अम्मी मैं ते सारे जग दियां रोंदियां मावां चुप कराउण आया, ते तू मेरी मां हो के क्यों रो रही, अम्मी क्यों रो रही। सैयद आमिना ने पकड़ के सीने लाया ते आख्या सोनिया मैनू कोई गम नहीं, मैनू कोई तकलीफ ते दुख नहीं, अम्मी रोए क्यों हो, अम्मी क्यों रो रहे हो, मेरे दादा जी ने मेरे चाचा जी ने कुछ आख्या, मैं कुछ आख्या, अम्मी क्यों क्यों रो रहे हो। नौजवानों सैयद आमिना ने पकड़ के सीने दे नाम लगाया हो ते लबा ते लब रख के फरमान लगिया कमली वाले मैनू कोई गम नहीं, अम्मी रोंदे क्यों। सैयद आमिना फरमान लगिया मैं सुने अज मैंने अब्दुल्ला दी याद आई, अज तेरे बाप अब्दुल्ला दियां यादां आईयां, टुर गए ने ए दिलदार दिला दे बदनों चुके मुहारा, उजड़ी बस्ती नदरी आवे कंड दिती मैनू कलिया छड़ के आ गया सै, वेख अल्लाह ने मैनू कलिया नी रहन दिता, मैं तेरे एक गुलशन च किदा सोना फुल मुहम्मद लेके आई आऊ। नौजवानों नबी करीम अपनी मां दी गोदी चो निकले आके अपने दादा जी दी गोदी च बैठ गए, अर्ज की दादा जी मैं कदे कुछ मंगिया ते नहीं, दादे ने सीने लगा के आख्या सुने कदे मंग के वेख ते सही, मैं सारी कहना तेरी जुल्फ दे कुंड च उबार देवा। नबी करीम ने दादा जी दे गले च बावा पा लई आओ, आख्या दादा जी मेरी अम्मी रोंदी है, इजाजत दवे अम्मी नाल नान क्यों होया मां। नबी करीम दे दादा जी ने उसे वास्ते काफले दा इंतजाम किया, अज नबी करीम पहली बार अपने वालिद गिरामी दी कबर ते जा रहे, अपने नान के मदीना तैयबा जा रहे। उम्मे अमन हबशन औरत जिदा नाम बरकत बीबी है, अज जिन दुनिया उम्मे अमन आखदी है,
दादा जी ने उमिया मैनू खिदमत नाल भेजा। नबी करीम अपनी अम्मी दे नाल मदीना तैयबा आया, अपने वालिद गिरामी दी कबर ते हाजरी दीती। डेढ़ महीना नबी करीम अपनी मां दे नाल बचपन च मदीना तैयबा आ रहे। नौजवान डेढ़ महीने दे बाद जदों काफिला मक्के वल जा रहा, रात एक पहाड़ी आई जिदा नाम मुकामे अबवा है। उस पहाड़ी ते आके सैयद आमिना नूं बुखार हो गया। इस शिद्दत नाल बुखार आया, खशी दे दौरे आ रहे। सैयद आमिना नबी करीम दी गोदी च बेहोश ने, सरकार दे अथरू मां दे चेहरे ते डिग देने, नाले जुल्फा च हाथ फेर देने, नाले नबी करीम रो के कहंदे ने अम्मा अखा खोल तेरा मुहम्मद प्या रोंदा आई। नौजवान मेरे नबी इस दर्द दे नाल रहे। अचानक सैयद आमिना दी अख खुल गई। इमाम जलालुद्दीन सयुती फरमा देने, सैयद आमिना दा आखरी वेला आ गया, उधर मौत दे फरिश्ते भी आ गए। चांदी वाली नबी दी मां ने सीने दे नाल लाया, फरमादियां में सोने आजा जांदी वाली मां दे सीने लग जाओ, तेनू हलीमा भी लोरियां दितियां ने, तेनू शीमा भी लोरियां दितियां ने, आजा जांदी वाली मां कोल लोरी लै ले। नबी करीम मां दी गोदी विच लैंड गए। आखरी वेला आया, आखरी हिचकियां आईयां, सैयद आमिना सीने ला के रोई जा रही। रिजवी साहब कदे मत्था चुमदियां ने, कदे लब चुमदियां ने, कदे रुखसार चुमदियां ने, आखरी हिचकी आई। नबी दी मां ने सुनन चुके उम्मे अमन दी गोद च रखे आल, फरमान लगियां ने उम्मे अमन मैं टुर चली आओ, एदा बाप ही कोई नहीं, अज मां भी टुर चली आओ। जिन्हां दियां मावां बचपन च छड़ जांदियां ने, औलादा नुकरा च बह के रोंदियां ने, ओ पुत्तर दीवारां नाल लग के रोंदे ने, उम्मे अमन मैं टुर चली आओ। जिहड़ा मेरा मुहम्मद दीवारां नाल लग के रोया, मेरी कबर च रूह तड़प जाएगी। उम्मे अमन ने फड़ के सीने दे नाल लाया। सैयद आमिना आ समान वल वेखिया, अरबी दे शेर पढ़दियां ने, अरबी दे अशआर च फरमांदियां ने, लोको हर नवी चीज ने पुराने आयो जाना है, जेड़ा बन गया ने टुट जाना है, जेड़ा आया उन्हें जाना ही पैना है। नया आमिना भी टुर चली आ, पर मैं जूंदी रवांगी। उम्मे अमन फरमान लगी, आया आमिना तू किवें मर के जिंदा रवेंगी। कमली वाले ने पढ़ के मां ने सीने लाया, फरमा दिया बोली तू तो हरा, मैं मुहम्मद पाक नु जन्म दे के चली आ, जदों तक इहदा जिक्र मिंबरां ते जारी रहेगा मैं आमिना जूंदी रवां। फरमा दिया मैं आमिना जिंदा ही रहूंगी। आखिरी हिचकी लई सैयद आमिना ने कमली वाला चुको गोदी च रखा, सैयद आमिना की रूह परवाज कर गई। मरना सारे ने दुआ करिया करो मां ना मरे, किसी की मां ना मरे, नहीं तो पूछ किसी उस कोल कल्या बिठा के जिदी मां मर गई है। रिजवी साहब नु पता मकसद है, गल सुना ना, मेरे को एक वडेरे जब बाबा जी बैठे तो मैं एक दिन पूछा बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी जी। कहन लगे आसी साहब मैं गरीब मां बाप दा पुत्र सा, मेरी दुखां च गुजर गई, पर शुक्र है रब दा पुत्र जवान होए ने, ते कोई यूरोप चला गया, ते अमरीका टुर गया, ते कोठियां भी रब ने दित्तियां, ते रब ने कारां भी दे दित्तियां, ते दुख सारे भुल गए, रब दा बड़ा फजल हो गया। मैं क्या बाबा जी को दिल दी हसरत होवे? कह लगे नहीं नहीं आसी साहेब कोई हसरत नहीं, रब दा बड़ा करम है। मैं देखा ते बाबे दी अखे च मोटे मोटे अथरू। पट्टी साहब मैं पूछा बाबा जी रोंदे क्यों? ते कह लगे आसी साहब होर ते कोई हसरत नहीं, पर कदे कदे कोठी वेख के दिल करदा कदे हुण मां होवे ना, कदे हुण मां होवे ना। कहन लगे कोठी च जाना सारे नजर आउंदे ने, मां नजर नहीं आउंदी, मां नहीं नजर आउंदी।
किसी उस को पूछे जी मां टुर गई है रात को सराने च सिर दे के रोंदे ने ते मां मां कह के रोंदे ने दुआ करया करो मां ना मरे किसी की मां ना मरे आर बे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे ने मामा वाले मामा वाले ए मामा दे फरियाद लाए पर मोइया मावां वाले रो रो आपे चुपे कर जावांदे भाई मोइया मावां वाले रो रो आपे चुपे कर जावांदे नौजवानों नबी करीम ने अपनी माओं की कबर बनाई छोटे छोटे पत्थर उठा के नबी करीम कबर बना रहे और मैं अमन फरमादिया ने मैं चुके सुने नहीं ऊंटनी ते बिठाया हो फरमादिया मेरा कलेजा कंब गया हो जदू सोने ऊंटनी ते बह के मुड़ मुड़ मां दी कबर वल वेख दई फरमादिया मैं सोने नु मके ले आई सारी जिंदगी में अमन मेरे नबी नु पालिया नौजवानों मेरे नबी ने मां दे बगैर जिंदगी गुजारी पर मां दी यादा सारी जिंदगी मेरे नबी ने आंदिया रही एक दिन जाओ ने पत्थर मारिया मेरे नबी दे सिर से लगे आओ सरकार दा खून निकले आओ नबी करीम रोंदिया काबे दे अंदर आ गए फरमांदे ने इन्नमा अस्कू बसी व हुज़्नी इल्लाह अर्द कीती काबे वाले आओ दुखड़े किन्नू सुनावा किन्नू सुनाना आ नौजवान शाम तक मेरे नबी काबे ते रोंदे रहे शाम दा वेला चाचा मीर हमदा शिकार करके करे आए नौकरानी खाना रख दी रोन लगे पई अमीर हमजा फरमा दे रोनी क्यों कह लगी काबे को गुजरी मुहम्मद कलिया नुकरे बह के प्यार रोंदा सी चाचे ने पूछा क्यों रोंदा है कह लगी सुने अबू जाल मारे है नले नौकरानी टुरदी टुरदी कहन लगी अज कदे ओदा भी बाप जिंदा होंदा लुकी उन यतीम समझ के ना मार दे अज ओदी मां जिंदा होंदी इंज नुकरा च कलिया बह के चाचे का खून खोलिया जाके अबू जान दे सिरे च कमान मारी कमली वाले ने फड़के आके सीने ला लिया कह लगे सोने चुप कर जा मैं तेरा बदला ले आया रवि लिख दे मेरे नबी चाचे दे बादू छुड़ा दीते फरमाया छड़ दे मेरा कोई चाचा नहीं अज मेरा कोई बाबा नहीं अज कद मेरा बाप जिंदा होता लोकी यतीम समझ के ना मार दे अज कद मेरी भी मां जिंदा होती इंज कलियों बैबे ना रंदा पर मैं की करा अज मेरा बाप भी कोई नहीं अज मेरी मां भी कोई नहीं ते मोहिया मावां वाले रो रो आपे चुप कर जांदे मोहिया मावां वाले रो रो आपे चुप कर जांदे इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस पाक शोबुल ईमान च लिखी फरमाते ने इशा दी नमाज पढ़ाई एक दिन नबी करीम ने सहाबा वरुखे अनवर कीता ते सहाबा वेख्या के नबी पाक दी अखे च अथरू पे गिरदे ने जिवें तस्बीह टुट जावे ते तस्बीह दे दाणे गिरदे अर्ज कीती कमली वाले जे किसे दुख दीते ते सानू दस कमली वाले तेरी जुल्फां दे कुरला तू पुत्र वार दई मेरे आका फरमाया सहाबा मैनू किसे कम ते दुख नहीं दिंदे अर्ज कीती सोने फिर रोंदे क्यों फरमाया मैनू अम्मी याद आ रही है मां याद आ रही है मेरे आका फरमाया सहाबा जी मेरे को पूछो मेरा की दिल कर दे अर्ज कीती जी सोने फिर अज मैं अज मेरा जी कर दे कि मैं इस मसले ते बह के इशा दी नमाज पढ़दा हुआ ते ओ हुजरे च मेरी मां आमिना बैठी होवे ते मेरी अम्मी दी आवाज आवे वे मेरे पुत्र मोहम्मद मेरी गल सुन जा फरमाया मैं मुहम्मद दा जी करदा कदे अम्मी दी आवाज आवे मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आ
सेवा वाले तो कुरबो जवार तो आमन वाले हो अज ते मां बुलावे ना पुत्र नु के मेरी गल सुन ते पुत्र पता किवें बोलदे ने अज मां बुलावे ते पुत्र कहंदे ने अम्मा चुप कर तेनू नहीं पता ओ जालिमा जेड़ी मां ने तेनू बोलना सिखाया अज ओनू पता ही नहीं अद्धी रात वेले पुत्र घर आवे ना ते बाप पूछे ना कित्थों आए अज दे पुत्र इंज घूरी पा के अबू वल वेखदे ने कि बाप बेचारा अगली रात पुछदा ही नहीं कित्थों आया इस घर को आग लग गई घर के चराग से पर मेरी मिल्लत दे नौजवानों ओ जिन्हां ने मावां दीआं बोलियां दी कदरां कीतीआं ना मेरे नबी नूं पुछ मां दी बोली दी कदर की हजूर ने फरमाया कदे मेरी मां बुलावे ना फरमाया मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आऊंगा मैं हमेशा यह वाक्य सुना ना मेरे सियालकोट की तारीख देख बहुत बड़े खतीब गुजरे उन्होंने नाम से हजरत अलामा मौलाना मुहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह आप अपने खिताबात विच फरमांदे हुंदे सन कि जदों मैं जलसिया ते तकरीर करन जाना ते लोग इश्तिहारां ते मेरा नाम लिखदे ने ते मेरे नाम दे नाल अलकाबात लिखदे ने खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शोला बयाज आगू कर शेर लिसां आलिम नबील फाजिल जलील जामिउल उकूल वल मरहूम हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती मुहम्मद यूसुफ सियालकोटी दामत बरकातहु मुल्क कुदसिया आप फरमांदे ने लोग मेरा इतना लंबा नाम लिखदे ने पर मेरे कलेजे ठंड नहीं पैंदी पर जब अद्धी रात वेले जलसा मुका के मैं घर जावां ना ते मेरे जवान पुत्र सुते होंदे ते मेरी वडेरी जी मां जागदी होंदी ओ पढ़ियो लिखियो रात दे 12:30 हो गए ने ते 1:30-2 बजे तुसां घर जाना है घर जाके दरवाजा खटकायो वेख लियो अम्मी जागदी होवेगी रिजवी साहब नूं तकरीबन 30 साल गुजर गए सड़कां ते मैनूं 23 साल गुजर गए सड़कां अस अपनी जिंदगी च रातां नूं बड़े बड़े मंजर वेखने आं जदों सारा जहान सुत्ता हुंदा ते असीं सड़कां ते हुंदे आं चौर साहब सर्दियां दी रात सी मैं किसे सफर तों वापस आया मेरे गांव दा इक नौजवान मेरा क्लास फैलो सी उहदा नाम सी मंजूर सर्दियां दी रात धुंध बड़ी ते मैं अपनी गड्डी खड़ी करके ते जदों घर वल टुरिया ते मेरे घर दी गली दे नाल उहनां दा नौजवान दा घर सी उहदी वडेरी जी मां रात 2:30 बजे गली च दरवाजे च बैठी मैं रुक गया ते मैं परेशान होके पुछया मैं क्या चाचे जी मां जी रात नूं 2:30 बजे इत्थे गली च बैठे हो खैरियत है कोई परेशानी है मैनूं दसो मैं हाजिर हां ओ माई साहब बड़िया सादियां जी मेरे पिंड दी माई ते कहन लगे हाफिज जी ओ मंजूर ने अज फैक्ट्री ओवर टाइम लगाना सी अजे आया नहीं ते मैनू सुकून नहीं सी पिया मिलदा नींद नहीं आउंदी ते मैं दरवाजे च बैठी हां अजे आया नहीं लोग बिस्तरिया च आराम पे करदे सर्दी दी यख रात ते मां नूं पुत्तर बगैर रजाई च भी सुकून नहीं पिया मिलदा कंबल च सुकून नहीं मिलदा ओ बाहर गली च दरवाजे च बैठी है क्योंकि ओहदा मंजूर नहीं आया मैं तुहानूं अज अजीब एक गल सुनावां मैं अपने बाबा जी हजूर ताजदार चूरा शरीफ दे कोल इक दिन बैठा ते आप फरमांदे ने कि पुत्तर मैं जदों पुराना घर सी ना जिहड़ा पीरां वाला चौक वसनपुर लाहौर ते आप फरमांदे ने कि मैं जदों रात नूं किसे प्रोग्राम तों वापस आउणा ते अम्मा जी हजूर ने ना मैं दरवाजा खड़क जदों खोलना ना कमरे दा आप फरमांदे ने जब तक अम्मी जी हयात रहीआं मैं अपना बिस्तर मां जी दे कदमां वाले पासे बिछा के रख्या सारी जिंदगी आप फरमांदे ने जदों मां के दरवाजा खोलना ते अम्मी जी दा पहला जुबान ते लफ्ज़ मुबारक होना शाह जी आ गए हो आप फरमा दे रहे कि दिन मैंने ख्याल आया कि मैं रोजाना रात 2:30-2:30 बजे आना प्रोग्राम तो फारिग होके ते माँ जी अख खुल जाती है मेरे आमना ते मेरा ख्याल है कि असल है ना मैं जो दरवाज़ा गड्डी दा बंद करना ते अम्मा जी दरवाजे की आवाज़ आँदी ते माँ जी की अख खुल जाती आप फरमा दे अगले दिन मैं गड्डी का दरवाज़ा बंद ही नहीं किया बिल्कुल मैं आवाज़ नहीं निकाली तो मैं बिल्कुल खामोशी नाल आया ना अज मैं दरवाज़ा कमरे का खोलिया तो अम्मा जी फरमा दे शाह जी आ गए हो आप फरमा दे फिर मैंने ख्याल आया नहीं अम्मी जी गड्डी दी दरवाजे दी वजह तो नहीं उठते असल च मैं जब चल के आना तो मेरी चप्पल दी आवाज जी है ना जुती मरक दी उहदे नाल अम्मी दी अख खुल जाती फरमा दे अगले दिन मैं गड्डी च जुती उतार के आ गया ते दबे पांव आया ते मैं आके हल्के जे दरवाजा खोलिया ते अम्मी जी फरमा दे शाह जी आ गए हो
आप फरमाते ने फिर मैं समझ आई कि नहीं असल मामला ये नहीं, असल मामला है कि जो मैं दरवाजा खोलना ना तो दरवाजे के कब्जे चू ची की आवाज आती है, उस आवाज न अम्मी की अख खुलती है। फरमाते ने अगले दिन मैं कब्जे को तेल लगा दिता कि ये आवाज ना आए, मेरी माँ की अख ना खुले। आप फरमाते ने मैं जो दरवाजा खोलिया तो अम्मी जी फरमाते ने शाह जी आ गए। आप फरमाते ने मैं कदम मुबारक से बोसा दे के बैठ गया। मैं अम्मी जी थानू कि पता लग जाता मैं आ गया। उठ के मत्था चुम के फरमा दिया शाह जी मामा नूं आवाजां नहीं आउंदियां, जदों पुत्तर आवां ते मामा दियां दिल दियां धड़कणां ही तेज हो जांदियां। खौरे केड़ी मिट्टी नाल रब ने मां दा दिल बनाया। फरमा दिया पुत्तर आवां ना ते मामा दे दिल दियां धड़कणां तेज हो जांदियां ने। मौलाना यूसुफ सियालकोटी फरमा दी के मैं जे दा के दरवाजे ते अद्धी रात वेले हाथ रखना मेरे पुत्र सुते होंदे ते मेरी वडेरी जी मां जागदी होंदी ते मेरी मां दी आवाज आउंदी है वे जूस बा आ गया है। तुसी समझे ने बार लोग हजरत साहब कहंदे ने, हजूर कहंदे ने, अलामा साहब कहंदे ने, लोग हाथ चुमदे जुतियां नु हाथ लगांदे, लोग हाथ जोड़दे प्यार करदे ते घर चो जड़ी अनपढ़ पेंडू ते सादी जी मां है ना उन्नू तलफुज़ ना यूसुफ कहना भी नहीं आउंदा, उन्नू यूसुफा कहना भी नहीं आउंदा, बस प्यार ना कहंदी है वे जूस बा दे आ गए। फरमांदे सन अद्धी रात वेले खबर केड़े प्यार ना जूस बा कहंदी है कलेजे ठंड पा देंदी है। राजपूत राणा साहब जट साहब पट साहब मलिक साहब चौधरी साहब पट्टी साहब कहने वाले जमाने च लखां भी होंगे पर ओ जड़ा तेनू बचपन च पप्पू ते मिठू कह के मां बुलांदी है ना, ए मां टुर गई ना फिर रात नू उठ उठ रोया करेगा, कोई उंज बुलावे जिवें अम्मी बुलांदी सी, कोई उंज प्यार करे जिवें अब्बू करदे सन, पर मां ते बाप जिहा कोई होवे ते इहनां वर्गा प्यार करे ते बुलावे। इन्हां दी बोली दी कदर करिया करो, इन्हां सामने उच्चा ना बोलिया जे, इन्हां नूं पिछा ते कंड करके ना टुरिया जे, अबू जी खड़े होवां ते अबू दे सामने बैठे आ जे ना, किधरे तेरे बाप दी बेअदबी ना हो जावे। आरबे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने बाप मरे सिर नंगा हो मरन कंड खाली मावा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। वापड़ा दे चेयरमैन तो लेके भाई जाहिद साहब, जाहिद नाम ना जी, जाहिद साहब तक जितने पढ़े लिखे स्टेज से तशरीफ फरमाओ तो तुसी भी सारे इस बात दे गवाह रहे जे कि आसी साहब ने मेंबर रसूल ते बैठ के आख्या सी, और मैं अपने दौरे खिताबत दा एक दावा करन लगा, मैं कदे कीते नहीं मगर मैं दावा कर रहा और मेंबर रसूल ते बैठ के कर रहा कि मैं ना चीज दे मुताले दे मुताबिक नबुवत और सहाबियत तो बाद नबुवत और सहाबियत तो बाद अगर को किसी नु मर्तबा ते मुकाम मिले आए ओ मां दी दुआ नाल मिले आए। और मैं अपने दावे ते दलील रखदा, मैं कहना चाहना कि मां दी दुआ नाल बंदा नबी नहीं बन सकता, मां दी दुआ नाल बंदा सहाबी नहीं बन सकता, इस तो बाद जितने मर्तबे ते मुकाम ने उन्हां विच जब तक मां दी दुआ शामिल ना होवे ओ मर्तबा मिलता ही नहीं, भावें ताबईन दा सरदार सैयद ताबईन हजरत ख्वाजा वैसे करनी होवे। गल सुना देवां, तुसीं बोलदे नहीं सुभान अल्लाह, मैं किवें सुना देवां। एक बारी सुभान अल्लाह कहिए ते जन्नत च एक दरख्त लगदा है। अज इतनी सुभान अल्लाह बोल के घर जाओ पता लगे कि मैं ते जन्नत च पूरा बाग लगा के आया हां। डीएचए विच बैरिया टाउन विच 10 मरले दा प्लाट निकल आवे ते रात नींद नहीं आउंदी ते जदा जन्नत च बाग लग जाए। उच्चा बोलो मोतियारी सरकार सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह बोलना हर बंदे दे बस दा रोग नहीं आउंदा। सियाने लोग फरमांदे ने कि वड्डे लोगां दे कद वड्डे नहीं होंदे, वड्डे लोगां दे दिल वड्डे होंदे ने। दिल दरिया समुंदरों डूंगे, दिल दरिया वर्गा होवे समुंदरों डूंगा होवे वे चिश्के मुहम्मद दियां लहरां आउण सोने दा नाम आ जाए सुभान अल्लाह याव पे निकलदी है।
जिदे जिदे सीने चिश्के रसूल दी अलारम बोले सुभान अल्लाह, थोड़ा होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह, पूरा जोर लगा के हाथ चा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर पे आज सुभान अल्लाह उन्हें कहना जेड़ा घर अम्मी नो अम्मी जी ते अबू नो अबू जी कहंदा है, आ होने लग पता नहीं जाना क्योंकि हुन अम्मी नो ते जी कहंदा रिवाज ही नहीं ना रहा। एक कोई बंदा जिनू जी कहंदे हो जियां नु जी कहंदे हो बस हैं, ओ बोले जेड़ा अम्मी नु भी जी कहंदा है सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कहंदा बालां दी मां नु जी ना आखो, पर बालां दी मां नु भी कहो ते अपनी मां नु भी जी आख्या करो हैं। सारे बोलो सुभान अल्लाह। कौन है दिवाली जो हिजरत फरमा के मदीना तैयबा आए ना, तो मेरे नबी मशरिक वल चेहरे अनबर करके अपने सीनत अकदस तो कपड़ा हटा के ना ते लंबे लंबे सांस लै रहे, सहाबा देख दे रहे, अगले दिन फिर तीसरे दिन ते ना रिया गया ते हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अर्ज की थी कमली वालिया इधर की है, मेरे नबी ने फरमा इन्नी ला अजद नफ्सुर रहमान मिन क़िबल यमन, फरमा इधर मशरिक है, मशरिक ची यमन दा शहर है ते यमन दे शहर च इक मुहम्मद दा दीवाना बसदा है। अर्ज की सुनिया ओ कौन है कमली वाले कौन है, तन असा वारे मन असा वारे लादा असा वारियां, मक्का छड़ के तेरे पिछे मदीने सोनिया असी आ गए, वो केड़ा जेड़ा आया भी नहीं ते कमली वाले प्यार करी जा रहे हो। अर्थ की यार रसूल अल्लाह कौन है, वो कौन है यार रसूल अल्लाह, कौन लैंदे वाली ने फरमाया साहब ओदियां रातां जा के गुजर दियां ने, ओदे दिन रोदे च गुजर दे ने, ऊंट चार दा यार दी सुन्नत अदा हो जाए। अर्ज की थी कमली वाले होर निशानी की है, फरमाया साबा उदे जिस्म से बरसती बीमारी आ गई, उन्हें अर्ज की थी अल्लाह शिफा दे दे, फरमाया सारे जिस्म से शिफा है, एक हाथ ते दिरम दे बराबर निशान रह गया है। अर्ज की थी कमली वाले होर निशानी की है, फरमाया साबा जद लोग हसद ने रोंदा है, जद लोग रोंदे ने हसदा है, अर्ज की थी कमली वाले होर निशानी की है, फरमाया साबा दुनिया दिया गलियां चन जानता ही कोई नहीं, आसमान दिया गलियां च फरिश्ते गल्लां ही ओदियां करदे ने, अर्ज कीती कमली वाले एडा आशिक मदीने क्यों नहीं आ जाता, मेरे आका ने फरमाया साबा ओदी मां बडेरी बीमार नबी नी है, मेरे आखे लगे मां ओदिया खिदमत पिया करदा है, अर्ज कीती सोने ओदा नाम की है, फरमाया ओदा नाम ख्वाजा उबैस करनी, अर्ज की थी कमली वाले आओ कदे मदीने नहीं आया, तुसी कदे यमन नहीं गए, एक एक निशानी किन के किवें दस दे, फरमाया आने वाली उम्मत नु दसना चाहना, ये ना समझे आज नबी नु साडा पता कोई नहीं, फरमाया तू सच्चा इश्क लैके कायनात किसे नु करज बै जाओ, मदीने खबर हो जांदी नौजवान, इधर मेरे नबी जिक्र छेड़ के बैठे, उधर यमन च खाजा अवैस करनी, जदू शाम वेले ऊंट चार के घर आने आके मां दे कदम फड़ लेंदे ने, अर्ज करदे अम्मा इजाजत दोवे मदीने नबी वेखिया, मां मां सीने लगा के कहंदी है वे पुत्रा तू टुर गयो मैं मर जावांगी, पुत्रा मैनू कौन संभालेगा, अम्मा फरमांदियां वे पुत्रा मैं अखा तू नबी नी हो मैनू छड़ के ना जावी, ऐसा मां दा फरमा बरदार रोज चुप कर जांदा है। एक दिन ऊंट चार के आए मां दे कदम पकड़ के रही जा रहे, कह लगी अम्मा अज मदीने ला गया कले जा फट जाएगा, अर्ज की थी अम्मा अबू बकर हर वेले यार दी दीद कर देन, उमर हर वेले यार दियां गल्लां सुन देन, उस मां ते अली हर वेले यार दे कोल बैंदे, अर्ज की थी अम्मा इजाजत दे दे नबी वेखियावा आके तेनू भी दसागा, सारा जग बनाने वाले ने अपना यार किन्ना तू सोना बनाया, नौजवान अम्मा ने कदमा तू फड़ के सीने नाल लाया, अम्मा कहन लगी रोना वे जा नबी वेखिया, नौजवान हजरत ख्वाजा अवैस दौड़न लगे, अम्मा कहन लगी वे जरा ठहर जाओ, मैं सुनिया चार पैर मदीने जांदियां लगदे ने, चार आउंदियां लगदे ने,
ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦੇਨੀ ਓ ਜੇ ਦੌੜਦਾ ਜਾਵੀਂ ਦੌੜਦਾ ਆਵੀਂ ਜੇ ਨਬੀ ਮਿਲ ਪੈ ਤੇ ਵੇਖਾਵੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਡੀਕੀ ਨਾ ਹੋ ਵਿਦਿਆ ਰੱਖੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਫੀ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੀ ਓ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਜਾ ਵੈਸ ਨੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦਬਾ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਅਥਰੂ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਦੇਣੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਦੁਆ ਕਰੀ ਸੋਨਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨ ਇਧਰ ਖਾਜਾ ਬੈਸੀ ਅਮਨ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਉਧਰ ਮਦੀਨੇ ਅਮਾਇਆ ਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਹੁਜਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਸ਼ਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾ ਦੇਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅਮਾਇਆ ਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਹੁਜਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇੱਧਰ ਖਾਜਾ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਦੌੜ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਊਂਟ ਦੀ ਖਲ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਫਟ ਗਿਆ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪੈ ਗਈ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾਲੇ ਅਰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਉਵੈਸ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਰਿਜਵੀ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਖਾਜਾ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਗਈ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਦਵਾਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਜਿਦਾ ਜਿਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਰ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਦਾ ਜਿਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਰ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੀਏ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਦਵਾਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਦਵਾਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਦਵਾਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਦਵਾਰਾਇਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਦਵਾਰਾਇਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾਇਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ ਮਦੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਏ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਵੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾਇਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਖਾਜਾ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਮਾਇਆ ਜਾ ਪਰਮਾਦੀਆ ਕੌਣ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਕੌਣ ਸਾਰੀ ਹਸਤੀ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਿਟਾ ਆਇਆ ਅਮਾਇਆ ਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਏ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਅਮਨ ਚੁ ਨਬੀ ਦਾ ਉਵੈਸ ਆਏ ਜ਼ਰਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਦੀਦ ਕਰਨੇ ਆਇਆ ਅਮਾਇਆ ਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਫੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਜਾ ਵੈਸ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਗਲਤੀ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਅਮਾਇਆ ਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਰੋ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਸਜਿਦੇ ਨਬੀ ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੇ ਥੋੜਾ ਉਡੀਕ ਲੈ ਨਬੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਉਡੀਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਫ਼ੀ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਪਰਦੇ ਚ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੇੜਾ ਹੀ ਵੇਖ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ
जिथे मेरा वही बसदा है मैं आशा फर्मा दिया मैं परदे से हो गई अंदर एक बिखरिया वाला वाला आया ओदे वाला विच धूड़े पैरां विच छले निकिया निकिया चीजा छुमदा नाले रोंदा है फर्मा दिया रोंदा रोंदा ही बाहर निकले दरवाजे च जाके मुड़ के कहन लगा कमली वाली आ बड़ी दूर तेरा दीवाना बसदा ही मिलने आया सटुर चले सुने मैं कुछ नहीं मंगदा कोई अर्ज कर चले जदू कयामत दा दिहाड़ा आवे अपने आशकां दी गिनती करे बिच मेरी गिनती कर लई जब अपने गुलामा की गिनती करें बिच मेरी गिनती कर अम्बाशा फरमा दिया रोंदा ही चला गया पीछे मैं भी रोंदी रह गई फरमा दिया थोड़ी देर बाद हुजूर अंदर आए ते सरकार इंज हुजरे च वेख के फरमा लगे आशा कोई आया सी अम्बाशा रो के अर्द की सोने तेरा कोई उवैस आया सी सैयद आलम ने रो के फरमाया आशा क्यों है दसी अर्ज की सोने दे पैरां विच छाले ते वालां विच धूड़ ते ऊंट दी खल दा फटिया लिबास को दरवेश सी सोने किधरों दूर ही आया सी नबी पाक रो के फरमान लगे वाह आउण वालिया आप टुट गए ते खुशबूआं मुहम्मद दे वेड़े छड़ गए बाहर तशरीफ लिया के मेरे नबी फरमाए साहबा दौड़ो को मेरा उवैस ढूंढ के लियाओ मगर ख्वाजा वैसे करनी मदीने दी चूच निकल गए खेवा वालों को जबार तो आने वाले जो शाम न पई तो वैसे घर पहुंच गए नबी ने मां दरवाजा खुलने की आवाज सुनी थे अम्मा कहती है वे उवैस आ गए दुख नल बोलिया ही ना गया अम्मा कह लगी वे नबी वे खाया है रो के मां दे कदम फड़ के कहन लगे अम्मा लगदा रोंदिया ही मर जाना है अम्मा कहन लगी वे की आया अर्ज की थी अम्मा नबी घर नहीं मिले अम्मा कहन लगी वे थोड़ी देर उड़ीक लेना सी अर्ज की थी अम्मा उड़ीक आ नहीं कुदरे मां अदब अदब नायो जावा अम्मा ने कदमा दे फड़ के सीने नाल लाया मां कहन लगी वे रो जे तुम आ जाए ता फरमा बरदार है चुप कर मां दुआ देंदी है पियो वैस मां दी खिदमत ही करी जाओ तेनो मां दिया दुआवां ने सारा जग नबी दिया गल्ला करेगा नबी तेरिया गल्ला करे जग ते रब जिदिया गल्ला कर दे जाओ नबी तेरिया गल्ला करेगा सही सरदार ने कैसी कोई कोल रह के जादू करे आखे ते कोई आ दूरों दर्जे लै जांदा उदू रहंदा ही कख सरदार साईयां जदों अपना ही कख ना रह जांदा बस उदू रहंदा ही बाबा फरीद ने फरमाया मैं अपनी नूं मार के ते दोवें हथीं कुट फिर भरे खजाने रब दे फरीदा दोवें हथीं लुट पर पहले मैं अपनी नूं मार उदों रहिंदा कख सरदार साईयां जदों अपना ही कख ना रह जांदा मूह तू कबला अंत मूह तू नाम फकीर तिन्हां दा बाहू जिन्हां हक दी रमद पुछाती हो मेरी मिल्लत दे नौजवानो ऐ माफला ते रोजाना होंदियां तुसीं भी रोजाना मैं भी रोजाना ए तुसीं रोजाना नेट ते भी सुनदे हो या किसी माफल ते तशरीफ लैके जांदे होवोगे इन जमाने च वली ने पर नारे इन महफलों च बाबे फरीद दे क्यों लगदे ने क्यों बाबा हर महफल च नारा लगदा अल्लाह मुहम्मद अल्लाह मेरी गल की तस्दीक हो गई है ना
भाई इन्ने दुनिया च वली ने ते नारे फरीद दे क्यों और रल के चलिए बाबे फरीद की कबर ते आलमे तसव्वुरात च जाके ते मुराकबा करके पुछिए बाबा जी वली ते बड़े ते नारे तुहाडे के लगदे ने ते फरीद की कबर चो अज भी आवाज आवे कि भला होवे मेरी मां दा भला होवे मेरी मां दा ओ मां जिन्हें बचपन चाहे असी फरीदा नमाज पढ़िया कर आख्या अम्मी नमाज पढ़िए की मिलता है ते आप मां नूं पता सी ना शक्कर पसंद है आख्या पुत्र नमाज पढ़िए रब शक्कर देंदा है अजान की आवाज आई ते आख्या अम्मी नमाज पढ़िए अम्मी फरमा तू वजू कर ते मैं मुसल्ला बिछावा मां ने पूड़ी बना के ना शक्कर दी ते मुसल्ले ते नीचे रख के मुसल्ला बिछा दिता फरीद ने नमाज पढ़ी ते आख्या अम्मी शक्कर ते नहीं मिली मां कहती पुत्र जो नमाज पढ़िए ते शक्कर मुसल्ले ते नीचे रख जाते हैं मसाला चुकया ते शक्कर दी पूड़ी निकली खादी लुत्फ आया अगली अजान की आवाज आई आख्या अम्मी नमाज पढ़िए अम्मी फरमा पुत्र तू वजू कर दे मैं मुसल्ला बिछावा मां ने फिर पूड़ी बना के मुसल्ले के नीचे रख दी उस मां की अदमत लखा ते करोड़ा ते अरबा ते खरबा ते बेशुमार सलाम और जिन्हें शक्कर दी पूड़ियां खिला खिला के फरीद नमाजी बना लिया मां बड़ी राजी मेरा फरीद नमाजी हो गया। एक दिन बाबा फरीद बारू खेल के आए ना ते आप ही मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लगे अम्मी देख के फरमा दिया वे वे फरीदा पुत्र वजू ते कर ले अर्ज की अम्मी वजू बारू करके आया मैं वजू करके आया आपने नियत कर ले नौजवान ने इधर फरीद ने मुसल्ला बिछाया उधर कमरे से मां ने बिछा लिया ये सजदे ते मां रो के कहन लगी अज मां दी इज्जत रह जाए अज मां दी लाज रह जाए अज शक्कर ना मिले मेरे फरीद दिल टूट जाएगा। अर्ज की दिया ना किधरे मेरा फरीद वे नमाजी ना आ जाए अर्ज की दिया जे मां दी लाज रखनी आए उधर फरीद ने मुसल्ला उठाया नौजवान मुसल्ले दे नीचे शक्कर दा दरिया पिया चलदा है आवाज दे के कहन लगी अम्मा अम्मा दौड़ के आई के खबर शक्कर कोई नहीं देखिया शक्कर दा दरिया पे चलदा है अम्मा सीने लगा के कहन लगी वे फरीदा अगे मैं रख दी रही हां अज ना रखी अगे मैं रख दी साजा ना रखी है पता लग्या पावे फरीद ही होवे पिछे दुआवां मां दिया मैनु ते रिजवी साहब पट्टी साहब जायद भाई जान ओ खेवे वाले मैनु तो याद आ गई बुखारा शहर दी एक मां थक गए हो मस्त हो गए हो शेख सादी फरमांदे ने ऊंट मस्त आवे ते एक मन दी बजाय दो मन पार चुक जांदा है मस्ती जी बोली जाओ सुभान अल्लाह थोड़ा होर ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह हा 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 नौजवान बच्ची की शादी हुई बुखारा शहर से हर औरत की तरह ओदी भी तमन्ना रब मेनु पुत्र दे अच्छा जिदा पुत्र है ना ओनू भी पुत्र नाल ही प्यार है ते जिदा पुत्र कोई नहीं ओनू भी पुत्र नाल ही प्यार है सुभान अल्लाह वेख मां दे जज्बे ओ कहंदी रब्बे हबली मिन सालिहीन मेनु पुत्र दे यानी जिदा नहीं ओनू भी प्यार पुत्र नाल ही कहंदी मेनु पुत्र दे रिजवे साहब सारी जिंदगी पुत्र दी हिफाजत फिर करदी है अद्धी रात वेले पुत्र आ जावे ना ते अबू डांटदे हों ते मां ते पुत्र जिणगे ना मां जिहड़ी पुत्र ते बाप दे दरम्यान खड़ी हो जांदी ते बाप झिड़क मां नूं मार के कहिंदा तू ही खराब इहनूं कीता है ते कहिंदी हां मैं ही कीता है यानी पुत्र दीआं झिड़कां वी आप सह जांदियां ते जे कदे आप भी पुत्र नाल नाराज हो ही जावे ना हो ही जावे कदे नाराज ते पुत्र नूं कुछ नहीं कहिंदी कहिंदी तेरी मां मर गई तेरी मां मर गई अपने आप नूं कह लैंदी वाह मां तेन हो रही मिट्टी ना रब ने कहती तेरी मां मर उस बच्ची ने शादी हुई तो दुआ की अर्ज कर दी रब्बा मेनू पुत्र दे ऐसी कमली वाले दी दीवानी कह लगी जे पुत्र देवेगा तो नाम मुहम्मद रखांगी ते तेरे मुहम्मद दा मिलाद मनावांगी ते तेरे मुहम्मद दे दीन दा आलिम बनावांगी जिन्हां दे घर औलाद नहीं ना अपनी कुछ चीजा याद रखो एक ते ना रखो कि मैं पुत्र देवेगा रब तो नाम मुहम्मद रखांगा मुहम्मद के नाम नाल कोई होर नाम भी रख सकते मगर मुहम्मद जरूर ना लगावांगा। दूसरा सत जुमा रातां लगातार घर के अफराद खुद ही बैठ के नबी पाक का मिलाद मनाओ जो भी पकाओ घर में पका के खुद ही खा लो सत जुमा रातां लगातार नबी पाक का मिलाद मनाओ चलद फिरद मां बाप दोवें अस्तगफिरुल्लाह पढ़न 1100 मरतबा रोज
313 मरतबा दुआ पढ़न रब्बे हबली मिन सालिहीन इशा तो बाद रब जरूर पुत्र अता कर देवे। मैं तुम ताजदार चूरा शरीफ का कुलिया पैदा सुना ਇਹ ਪਤਾ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਨ। ਅਜੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐ ਐ ਐ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। काबिल होया ना ते बच्चा ठुकरा खा खा के डिगदा है। मां नूं ख्याल आया डिगदा क्यों है, मां ने गौर किया ते मां दा कलेजा फट गया कि पुत्र दियां अखियां ते हैं पर नूर कोई नहीं। पुत्र पैदाशी नबीना पैदा हो गया अखां च नूर ही कोई नहीं। सल्ला भी जाके सजदे जरो के कहन लगी मैं इवें दा नहीं सी मंगिया, मैं ते मंगिया सी पुत्र देवेगा याली बनावांगी। इते अखा तू नबी ना अखा च नूरी कोई नहीं, सारी जिंदगी लोगां दियां ठोकरां खावेगा। अर्ज कर दिए रब्बा तेनू तेरे मुहम्मद नूर दा वास्ता ही, मेरे मुहम्मद दी अखां दा नूर दे दे। इस दर्द नाल मां सजदे च रोई, रोंदिया रोंदिया मां दी अख लग गई। ख्वाब च इक सोहना जिहा बाबा आया, उहने फरमाया बेटी सिर चुक लै, अल्लाह तेरे पुत्र दी अखां दा नूर दे दित्ता ही। मां ने उठ के वेखिया पुत्र दी अखां दा नूर वापिस आ गया। ए ओही पुत्र है जिन्नू नबी दी 6 लख हदीस ज़ुबानी याद है, जिन्हों दुनिया इमाम बुखारी कहती, जिन्हों दुनिया इमाम बुखारी कहती। पता लग्या पावे ताबईन दा इमाम होवे, पता लग्या पावे वलियां दा इमाम बाबा फरीद होवे, ते पता लग्या पावे मुहद्दिसीन दा इमाम होवे। पिछे दुआवां मारियां ते मुख दी मुखा दे मसौ हथ रसाते गंड सिरे ते जे अगलियां ते पिछलियां नूं सारे मुकाम मां दी दुआ नाल ही मिलन, ते मैनू ते तेनू मर्तबे मां बगैर किवें मिल सकदे। ये चांदे हो के जमाने च कंड ना लगे, सवेरे उठ के अबू दे हाथ चुमिया करो, अम्मी दे पैर चुमिया करो। आखिरी गल, मां दे कदमां थल्ले जन्नत, अल जन्नतु तहत अकदामिल उम्महात, जन्नत मां दे कदमां थल्ले। और जिद को 10 मरले का प्लाट हो नहीं मां, जिद कदम थले सारी जन्नत हो। यार मां के कदम थले जन्नत, रोटियां सारी जिंदगी साढ़े अबू दियां पकावे, जुत्ती साढ़े अबू की पालिश करे। अपने कदम थले जन्नत है, तो रोटियां बाप दियां पकावे, कपड़े अबू दे दोवे, इस्त्री कपड़े अबू दे करे, जुत्ती अबू की पालिश करके, तो अम्मी फखर ते नाज करे। मैं सची दस, जिदे कदम थले तेरी मेरी जन्नत है, जिदिया वो खिदमत कर दी वो बाबे की किन्नी खुशान हो गई। जी अच्छा, बाबे की किन्नी खुशान होगी जिदी मां भी नौकरियां करे। तेरी ते मेरी जन्नत मां कोल है, पर साडी अम्मी दी जन्नत साडे अबू कोल है। अपनी जन्नत का अदब करना है, अपनी जन्नत ही जन्नत का भी अदब कर, नहीं तो अलिफ लाम मीम दी अलिफ दी चोटी तो लैके बन्नास दी सीन दे घेरे तक सारा कुरान पढ़। रब ने कुरान च मां दी शानदा बड़िया बयान कीतियां, पर पूरे कुरान च रब ने किधरे मां दी कसम नहीं चुकी। पर जदों आई ना बाबे दी वारी, ते अल्लाह ने कुरान च फरमाया बाबा अलिदीम व मां वलद, अल्लाह फरमांदा मैनूं कसम है बाप दी। अर्ज कीती या अल्लाह तेरा ते बाप ही कोई नहीं, तू ते लमी अलिद वला मयूब लदियां शाना वाला है। उत्तों आवाज आवेगी मेरा ते बाप कोई नहीं, पर मैं तेरे बाप दी कसम चुक के दसना चाहना, इस अबू दा हया करी, इहदा रब भी हया करदा। कदम मां दे चुम दियो ते हाथ अबू दे भी चुमे आ जाए। आओ आखिर ते हजरत दाई कलबी वाले वाके दी फरमाइश है, मैं 5 मिनट चो सुना के फिर इजाजत चाहवा। तुसां जो सुभान अल्लाह नहीं बोली ते मैं भी अज फिर अपनी मनसूबे दे खिलाफ, मैं भी नहीं तुहानूं तंग कीता, मैं आखिया चलो। पर गल ए वे कि अंदाजे बयां करचे बहुत शौक नहीं मेरा, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात।
कचरी च गल लैके जायो, पैगाम महफल का जरूर लैके जाया जी, घर जाके अम्मी के कदम चुमे आओ, अबू के हाथ चुमे आ जाए। ठीक है, तो वह पुछन की होया तो आखियो मैं अम्मी अबू की शान सुन के। इतने बड़े इतमाद कोई है जो उठ के आखिया साहब मेरा रब मेरे से राजी है, मेरे को गारंटी है कोई नहीं ना, कोई गारंटी नहीं रब राजी है। पर मेरे नबी ने फरमाया आजा मोहम्मद तू गारंटी ला ले, फरमाया रिदा अर रब फी रिदा अल वालिद, सवेरे उठ के तेरा दिल करे मैं वेखा रब राजी है कि ना राजी, अपने अबू का चेहरा वेख जे अबू राजी है तो समझी खुदा राजी है, अबू नाराज है तो समझी खुदा नाराज है। लिहाजा अपनी अम्मी ते अबू नूं राजी रखो, तुसी भावे मदीने दी गलियां च फिरदे हो गल मापे रोंदे हो ना ते रब रसूल राजी कोई नहीं, ते बैठा तू खेवे दी गली विच होवे ते घर मापे राजी होन ते समझ फिर मदीने कमली वाला राजी ते अरशां वाला खुदा भी तेरे साथ।